हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ करेंट मॉनसून सेशन में गवर्नमेंट के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 पेश किया गया है। इस बिल का मेन एम है जो जम्मू कश्मीर के चार ट्राइब हैं, गोड्डा ब्राह्मण, कोल्ही, पढ़ारी ट्राइब और पहाड़ी इथनिक ग्रुप, इन चार ट्रिबल कम्युनिटीज़ को शेड्यूल कास्ट का स्टेटस देना। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में इंक्लूजन के लिए कौन कौन से प्रोसेस और क्राइटेरिया होते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इंडिया में शेड्यूल ट्राइब के किस तरह का स्टेटस है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है शेड्यूल ट्राइब को लेकर, कौन कौन से लीगल प्रोविज़न है, गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव हैं शेड्यूल ट्राइब के लेकर और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स 2013 में और 2015 में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, बताना है कौन सा ट्राइब कौन से स्टेट में पाया जाता है। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। लिंबू सिक्किम में, कार्बी हिमाचल प्रदेश, डोंगरिया कोंड उड़ीसा और बोंडा ट्राइब तमिलनाडु। तो बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। दूसरा क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स के 2015 में पूछा गया है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किए गए हैं 5th शेड्यूल का और 6th शेड्यूल का, तो ये क्या बताता है। शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन, या स्टेट का बाउंड्रीज को डिटरमाइन करता है, या पंचायत के पावर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है, या फिर जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। सही आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू इस PDF को डाउनलोड करके सही आंसर पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शेड्यूल ट्राइब के इंक्लूजन के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं। तो कोई भी ट्राइबल ग्रुप शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में तभी आएगा जब इन क्राइटेरियाज को फॉलो किया जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है इथनोलॉजिकल ट्रेट्स। यदि कोई ट्राइबल कम्युनिटी का डिस्टिंक्ट और आइडेंटिफिएबल इथनोलॉजिकल ट्रेट्स देखने को मिलता है जो कि उस ट्राइबल के आइडेंटिटी को डिपिक्ट करता है, तो उसको शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में डाला जा सकता है। सेकेंड क्राइटेरिया का बात करें तो ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, कस्टम्स, वे ऑफ लाइफ, ये सबको एग्जामिन किया जाता है ताकि उस ट्राइबल ग्रुप का एक यूनिक ट्राइबल कल्चर हो सके। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तो डिस्टिंक्टिव कल्चर। यदि कोई ट्राइबल कम्युनिटी यूनिक और डिस्टिंक्टिव कल्चर को बनाए हुए है और ये दूसरा ट्राइबल कम्युनिटीज के ग्रुप से अलग है, तो उसको भी शेड्यूल ट्राइब के लिए कंसिडर किया जा सकता है। वहीं फोर्थ क्राइटेरिया का बात करें तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। कहने का मतलब, वैसे ट्राइबल कम्युनिटीज जो बहुत लंबे समय से कोई स्पेसिफिक रीजन में रह रहे हैं और हिस्टोरिकली वो आइसोलेशन में ही रहते आए हैं, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उससे कोई भी कनेक्शन नहीं देखने को मिलता है पास्ट में, तो वैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल सकता है। फिफ्थ क्राइटेरिया का बात करें तो बैकवर्डनेस। यदि कोई ट्राइबल कम्युनिटी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, हाउएवर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब होने के किसी भी तरह के क्राइटेरिया को डिफाइन नहीं किया गया है। ये क्राइटेरिया गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया है। तो वो तो बात हो गया क्राइटेरिया का। अब चलिए हम लोग देखते हैं कौन किस तरह का प्रोसेस होता है जब किसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में डाला जाता है। तो इस प्रोसेस को स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा इनिशिएट किया जाता है, जहाँ पे कंसर्न गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन रिकमेंड करते हैं कि किसी स्पेसिफिक ट्राइबल कम्युनिटीज़ को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जा सके। उसके बाद इस प्रपोजल को यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री को सेंड कर लिया जाता है। उसके बाद यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा एग्जामिनेशन किया जाएगा और उसके बाद फर्दर डिलीबरेशन होगा। उसके बाद ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा इस प्रपोजल को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास सेंड कर दिया जाता है, और यदि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अप्रूव कर दे, फिर यह प्रपोजल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के पास चला जाता है, और उसके बाद फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है वो वापस से यूनियन गवर्नमेंट को सेंड कर देता है। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट उस बिल को
लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाती है। आफ्टर दैट प्रेसिडेंट का एसेंट होता है और उसके बाद वो कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में शामिल हो जाता है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस शेड्यूल ट्राइब को, ट्रिबल कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब में ऐड करने का। चलिए अब हम लोग समझते हैं इंडिया में शेड्यूल ट्राइब के कौन से स्टेटस है। तो सबसे पहले देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है शेड्यूल ट्राइब को लेकर के। तो फर्स्ट प्रोविजन है आर्टिकल 366 का 25। तो ये आर्टिकल सिर्फ प्रोसेस प्रोवाइड करवाता है कि कोई भी कम्युनिटी, ट्रिबल कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब किस तरह से शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल सकता है। इसमें शेड्यूल ट्राइब का मतलब होता है वैसे कम्युनिटीज और वैसे ट्रिबल कम्युनिटीज जिसको कि आर्टिकल 342 में रखा गया है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस कम्युनिटीज को शेड्यूल ट्राइब कहा जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 342(1), प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट और यूटीज को स्पेसिफाई कर सकता है ट्राइब्स, ट्रिबल कम्युनिटीज या कोई भी पार्ट ऑफ ट्राइब हो, ग्रुप ऑफ ट्राइब हो, ग्रुप विद इन ट्राइब, तो उसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जा सकता है। और स्टेट के केस में गवर्नर का कंसल्टेशन लेना जरूरी होता है। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का बात करें तो फिफ्थ शेड्यूल, इसमें प्रोविजन किया गया है किसी भी शेड्यूल एरिया को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल किया जाए जिस स्टेट में ट्रिबल कम्युनिटीज, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज रहते हैं अदर देन सिक्स शेड्यूल स्टेट्स। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का बात करें तो सिक्स शेड्यूल, ये चार स्टेट के ट्रिबल शेड्यूल ट्राइब एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के डील करता है। वो चार स्टेट है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अब हम लोग देखते हैं करेंटली कितने शेड्यूल ट्राइब हैं जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हैं शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में। तो सेंसस 2011 के अनुसार से 705 इथनिक ग्रुप्स हैं जो कि शेड्यूल ट्राइब में लिस्टेड हैं अंडर आर्टिकल 342, जो कि भारत के टोटल पॉपुलेशन का 8.6% है और भारत में जो रूरल पॉपुलेशन है उसके 11.3% शेड्यूल ट्राइब रूरल एरिया में रहते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं कौन कौन से लीगल प्रोविजन है शेड्यूल ट्राइब को लेकर। तो फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, जो कि शेड्यूल ट्राइब के सिविल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सेकेंड है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। थर्ड है प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, जिसको पेशा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस एक्ट के तहत पंचायत को ज़्यादा पावर दिया जाता है, वहाँ पे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करना हो, कौन सा फैक्ट्री इस्टेब्लिश होगा, माइनिंग को लेकर के कौन से एक्टिविटीज़ किए जाएंगे, वहाँ के सिविल लॉज, इस तरह के पावर को पेशा एक्ट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। फोर्थ है शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जिसके तहत शेड्यूल ट्राइब माइनर फॉरेस्ट को कलेक्ट कर सकता है, सेल कर सकता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब को लेकर के गवर्नमेंट का कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो पहला है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इसमें शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी के साथ साथ एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल पाएगा। सेकेंड है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, इसमें आदिवासियों के लिए घर देने का बात किया गया, उस गांव को किस तरह से एक आदर्श ग्राम बनाया जाए आदिवासियों के गांव को, तो एक मॉडल विलेज बनाने का बात किया जाता है। थर्ड है प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्रिबल ग्रुप PVTGs। तो वैसे ट्रिबल कम्युनिटीज जिसका पॉपुलेशन गिर रहा हो, जिसका कल्चर लैंग्वेज लॉस हो रहा हो, उस तरह के ट्रिबल पॉपुलेशन को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्रिबल ग्रुप कहा जाता है। तो उसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे योजना चलाए जाते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।